मुंबई में आज एक और लोकसभा चुनाव की धूम है। तमाम बॉलीवुड स्टार्स घर से निकलकर वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम के फैंस के लिए आई है एक अच्छी खबर। 3 साल के बाद पेरेंट्स बने यामी गौतम और आदित्य धर। 35 साल की उम्र में एक्ट्रेस के घर गुंजी किलकारिया। जी हाँ, जिस खुशखबरी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर यामी गौतम ने वो गुड न्यूज अपने फैंस को सुना दी है। उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धर और यामी गौतम के घर नन्हे मुन्ने की किलकारिया गुंजी है। आदित्य और यामी अब 2 से 3 हो गए हैं। 35 साल की उम्र में यामी गौतम ने अपने पहले बेबी को जन्म दिया है। इस खुशखबरी को यामी गौतम और आदित्य ने बेहद खूबसूरत पोस्ट के साथ अपने तमाम फैंस के साथ शेयर किया। इस पोस्ट में परमेश्वर की गोद में नन्हा मुन्ना नजर आ रहा है। वेल, बता दें आपको, यामी और आदित्य 10 मई को ही पेरेंट्स बन गए थे। हालांकि इस गुड न्यूज को कपल ने 10 दिन बाद शेयर किया। इसके साथ ही कपल ने अपने बेटे का नाम का भी खुलासा कर दिया है। यामी और आदित्य ने अपने बेटे का नाम वेदविद रखा है। बता दें, वेदविद नाम का मतलब बहुत खास होता है। वेदविद उसे कहा जाता है जो वेदों का ज्ञाता हो। इसके अलावा भगवान विष्णु का भी एक नाम वेदविद है। यामी गौतम और आदित्य धर के गुड न्यूज देने के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर कपल को बधाइयां देने का तांता लग गया है। फैंस के साथ साथ सेलेब्स भी यामी और आदित्य को बधाई दे रहे हैं। इन 24 न्यूज की तरफ से आदित्य और यामी को ढेरों सारी शुभकामनाएं।